हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कंपटीशंस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज़ाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स हैं। साथियों, आज 10 मार्च 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचारों की। इडु कक्की द मैयूर जगरी द ट्रेडिशनल एंड हैंडमेड प्रोडक्ट फ्रॉम इडु कक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला रिसीव्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। केरल के इडु कक्की जिले के पारंपरिक और हस्तनिर्मित उत्पाद मरयूर गुड को केंद्र सरकार से भौगोलिक चिन्ह टैग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, गूगल लॉन्चेज ए फ्री ऐप कॉल्ड बोलो दैट पेरेंट्स कैन डाउनलोड टू हेल्प प्राइमरी ग्रेड चिल्ड्रन इम्प्रूव दियर हिंदी एंड इंग्लिश रीडिंग स्किल्स। लॉन्चेज इन इंडिया फर्स्ट, the app is designed to work offline and comes with a built-in reading buddy diya who encourages adds explains and corrects the child as they read aloud। google ne bolo namak ek free app launch kiya jisse mata pita prathmik grade ke apne bachchon ko hindi aur angrezi padhne ke kaushal mein sudhar karne mein sahayak kar sakte hain। भारत में पहले लॉन्च किए गए ऐप को ऑफलाइन रूप से कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें एक अंतर्निहित रीडिंग फ्रेंड दिया है जो बच्चों को प्रोत्साहित करता है, सहायता करता है, समझाता है और जोर से पढ़कर सही करता है। नेक्स्ट, बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। इंडिया एंड कोस्टा राइस साइंड टू डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडूज फर्स्ट विजिट टू द सेंट्रल अमेरिकन नेशन। द डॉक्यूमेंट्स वर साइंड एंड एक्सचेंज फॉलोइंग टॉक्स बिटवीन नायडू एंड कोस्टा रिकान प्रेसिडेंट कार्लोस अल्वाराडो क्वेसादा। भारत और कोस्टा रिका ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के मध्य अमेरिकी राष्ट्र की पहली यात्रा के दौरान दो दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए और नायडू और कोस्टा रिकान के राष्ट्रपति कार्लोस अल्वाराडो क्वेसादा के बीच वार्ता हुई। नेक्स्ट, आइए बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स और रेजिग्नेशन, नियुक्तियां और इस्तीफों की। द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड डेजिग्नेटिंग श्री सुभाष चंद्र गर्ग आईएएस सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एज फाइनेंस सेक्रेटरी। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी सुभाष चंद्र गर्ग की भारत के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में नियुक्ति की है। नेक्स्ट, सौम्या स्वामीनाथन ए डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन नेम्ड चीफ साइंटिस्ट ऑफ द WHO। एज ए डिप्टी डायरेक्टर जनरल प्रोग्राम्स DDP सी वाज वन ऑफ द 3 DDGs असिस्टिंग हु डायरेक्टर जनरल टेडर्स एडनॉम गिबेयस। विश्व स्वास्थ्य संगठन की उप महानिदेशक सौम्या स्वामीनाथन को WHO की मुख्य वैज्ञानिक शामिल नामित किया गया है। उप महानिदेशक कार्यक्रम के रूप में वह WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम गिबेयस की सहायता करने वाले 3 DG में से एक थी। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट अजित कुमार मोहंती वाज अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क। द
the country's premier multidisciplinary nuclear research facility, Mohanty has been appointed director BARC for a period of 3 years. He is at present director physics group in BARC and director Saha Institute of Nuclear Physics. प्रतिष्ठित वैज्ञानिक अजीत कुमार मोहंती को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, जो देश की बहुविषयक परमाणु अनुसंधान सुविधा है। मोहंती को 3 वर्ष की अवधि के लिए BARC BARC का निदेशक नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान निदेशक BARC में भौतिकी समूह और निदेशक Saha इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर भौतिकी में है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं बैंकिंग न्यूज बैंकिंग समाचारों की। United Bank of India has signed a bank assurance deal with private life insurer HDFC Life Insurer Company. United Bank of India ने निजी जीवन बीमा कंपनी HDFC Life Insurance Company के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट आइए बात करते हैं एग्रीमेंट समझौतों की। The Government of India and the Asian Development Bank signed a New Delhi $26 million loan agreement to provide additional financing for improving drainage infrastructure in Dibrugarh town of Assam under the ongoing Assam Urban Infrastructure Investment Program. Bharat Sarkar aur Asian Vikas Bank ने नई दिल्ली में चल रहे असम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत असम के डिब्रूगढ़ शहर में जल निकासी के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण प्रदान करने के लिए $26 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, द वर्ल्ड बैंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 5 स्टेट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इम्प्लीमेंटिंग agencies signed in New Delhi the loan agreement for additional financing of $137 million for the dam rehabilitation and improvement project DRIP. विश्व बैंक, भारत सरकार और नई दिल्ली में भारत सरकार के 5 राज्यों और कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना DRIP के लिए $137 मिलियन की अतिरिक्त वित्त पोषण के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड ए पैक्ट विद जर्मनी फॉर कॉरपोरेशन इन द फील्ड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द MOU बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी ऑन कॉरपोरेशन इन द फील्ड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग के लिए जर्मनी के साथ एक समझौते को मंजूरी दी। कैबिनेट ने भारत और जर्मनी के बीच व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज साइंस टेक न्यूज विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार। नेशनल स्पेस एजेंसी इसरो एंड इट्स फ्रेंच काउंटर पार्ट CNES शील्ड एन एग्रीमेंट टू सेट अप ए ज्वाइंट मार्टीटाइम सर्वाइलेंस सिस्टम इन द कंट्री इन मई। KC-1 चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड जीन युआ लीगाल प्रेसिडेंट ऑफ CNES ऑफ फ्रांस साइंड द एग्रीमेंट इन बेंगलोर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और उसके फ्रांसीसी समकक्ष CNES ने मई में देश में एक संयुक्त समुद्री निरीक्षण प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समझौता किया। KC-1 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष और फ्रांस के CNES के अध्यक्ष जीन यवेस ले गैल ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है, कमेंट करें। यूवी कंपटीशन चैनल को और हमारे वीडियोज को शेयर करें और सब्सक्राइब करना यूवी कंपटीशन चैनल को भूलें ना। साथ ही साथ हमें अकेडमी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।